बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी, सिंपल और क्विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आसान होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अंडे, बारीक कटे हुए 2 आलू, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, थोड़ा सा हम नमक इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे। गार्निशिंग के लिए हमने लिए हैं ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया। अब हम सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे हम, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी 5 मिनट तक हम इसमें भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटर को भी हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर भी अब सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी ब्लैक पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से हम डालेंगे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अब हम इनको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। थोड़ा सा अंडों के ऊपर ब्लैक पेपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा धनिया हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली गार्निशिंग के लिए जो हमने ली थी। अब हम इसको ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि अच्छे से अंडे भी पक जाएं। 5 मिनट हो गए हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी है। हमारा मज़े का ब्रेकफास्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है।
बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट बना है। ये देखें, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।